सामने ही स्टॉप है तो बच्चों को ना उधर जाने की जरूरत है ना कहीं बस की, गेट के बाहर से ही बसेस मिलेंगी। जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से स्टूडेंट जो स्टडी करेंगे उनको बाहर कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ ये चार साल की पढ़ाई विद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके स्टूडेंट्स को करवाई जाएगी। तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने हमेशा से ही राजधानी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया है और ये भी कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई स्कूलों को अपग्रेड भी किया गया है और साथ ही नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी खोले गए हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या अब दिल्ली में 37 हो चुकी है जहाँ पर 45 अलग अलग स्ट्रीम्स में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग्स में बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं ताकि आगे जाके उन्हें अपने भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए और आसानी से वो अपनी पसंद की स्ट्रीम सिलेक्ट करके उसके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सके और उसे क्रैक भी कर सके। और ऐसा ही एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुला है दिल्ली के दरिया कला में, तो आइए आपको दिल्ली के दरिया कला के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ले जाकर दिखाते हैं कि किस तरीके का ये नया स्कूल, क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके के क्लासरूम्स हैं और किस तरीके के टीचर्स हैं, किस तरीके की पढ़ाई होती है और क्या कुछ है आपको दिखाते हैं। आइए तो ये हमने गेट से एंटर किया है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दरिया कला का और आप देख रहे हैं किस तरीके से एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग है। ये इधर पार्किंग है और आगे जाकर भी लेफ्ट साइड पर पार्किंग है और ये बिल्डिंग बिल्कुल न्यू बनी हुई है और अगर हम लोग इसकी लाइट्स देखें तो LED पैनल्स लगे हैं इन लाइट्स में। मैं चाहूँगी LED पैनल्स आपको दिखाए जाए कि यहाँ पर पावर सेविंग का भी ध्यान रखा गया है। हम स्कूल के अंदर आ गए हैं और ये एग्जैक्टली जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यानी कि यहाँ एडमिशन्स का सारा काम होता है और प्रिंसिपल्स और स्टाफ यहाँ बैठता है। और इसके अगर आप लेफ्ट में देखें तो ये बिल्डिंग है क्योंकि ये तीन ब्लॉक्स में ये स्कूल बनाया गया है। ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको ये है स्टेम ब्लॉक, यानी कि यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को क्लासेस जो हैं वो लगाई जाएंगी। और इसके बाद ये जिस तरीके से हमने दिखाया था एडम्स ब्लॉक, और एडम्स ब्लॉक के राइट हैंड साइड्स पर ही ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स की क्लासेस लगेंगी। जो आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, आर्ट्स की स्ट्रीम लेना चाहते हैं नाइन्थ के बाद, उनकी क्लासेस ये ब्लॉक में लगेंगी। तो कुल मिलाकर तीन ब्लॉक्स में ये स्कूल बनाया गया है। खास बात यहाँ पर ये भी है कि जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है उसमें 50% बच्चे जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, यानी कि जिन्होंने 8th क्लास की पढ़ाई दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से की है, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। यानी कि 50% सीट्स जो है वो रिजर्व हैं सिर्फ दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सरकारी स्कूल से 8th क्लास के एग्जाम्स दिए हैं। तो ये है स्टाफ रूम और आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर्स हैं। सेफ्टी मेजर्स का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। हर कॉरिडोर में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए गए हैं और स्पेशली ये साइन बोर्ड्स लगाए हैं बच्चों को बताने के लिए कि कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है या कोई इलेक्ट्रिक शॉक, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करनी है ये बच्चों को बताया गया है। बोर्ड्स लगाए गए हैं फायर फाइटिंग के लिए, बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी इमरजेंसी में आपको खुद को और अपने साथियों को सुरक्षित करना है। और स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पर अलग से वॉशरूम बनाया गया है उनको ध्यान में रखते हुए, ताकि उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और ये मेडिकल रूम देख रहे हैं आप, ताकि किसी स्टूडेंट को अगर स्कूल में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उसे यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाए और थोड़ा सा रेस्ट जब तक कि कोई डॉक्टर नहीं आ जाता या उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते। ये हम आ गए हैं एडम्स ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और यहाँ रूम योगा रूम है और ये रिसोर्सेज रूम है। ये है MP हॉल, यानी कि मल्टीपर्पज हॉल। 250 स्टूडेंट्स के सिटिंग की यहाँ पर व्यवस्था है, यानी कि 250 स्टूडेंट्स को यहाँ पर बैठाकर प्रोजेक्टर के रास्ते, आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है और इस प्रोजेक्टर से सामने वॉल पर स्टूडेंट्स को
स्टडी करवाया जाएगा, चाहे उनके सेमिनार्स हो या किसी और तरीके के उनके असाइनमेंट्स हो। और सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर 250 स्टूडेंट्स की है, तो एक टाइम पर अगर कोई स्पेशल लेक्चर है तो 250 स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर इसको टेक्निकली देख सकते हैं। और ये स्टेज भी बनाई गई है कि जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर इस प्रोजेक्टर के माध्यम से जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन उन्हें दी जाएगी। तो बहुत बड़ा ये मल्टीपर्पज़ हॉल है, यहाँ पर सेमिनार्स भी होंगे और स्टूडेंट्स की स्पेशल क्लासेस भी लगाई जाएंगी। साउंड सिस्टम है, प्रॉपर साउंड सिस्टम, और ये फुली एयर कंडीशनर, फुली एयर कंडीशन है ये मल्टीपर्पज़ हॉल। और आप देख सकते हैं लाइटिंग की भी अप्रोप्रिएट यहाँ पर व्यवस्था है। साइंस लैब जहाँ सारा अपरेटस आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का भी सारा अपरेटस यहाँ पर अवेलेबल है। और ये बीकर्स और प्रिज्म, चाहे ये एमीटर है, वोल्ट मीटर है, तमाम तरीके के अपरेटस यहाँ पर रखे गए हैं स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करने के लिए। और ये चार्ट्स जो बनाए हैं स्टूडेंट्स ने, ये भी आप देख रहे हैं कि देखिए ह्यूमन हार्ट बनाया हुआ है। बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाती है। क्लासरूम्स कैसे हैं जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये नॉर्मल क्लासरूम है और मैम हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम कितनी कैपेसिटी है इस क्लासरूम की? यहाँ पे 24 बेंचेस हैं, तो लगभग 48 के अराउंड बच्चे बैठ के, हाँ जी, एक बेंच पे दो बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। ये हम देख रहे हैं स्पीकर्स वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पर, ये लगाए गए हैं ताकि कोई भी अनाउंसमेंट प्रिंसिपल या कोई टीचर करना चाहे तो बच्चों तक क्लासेस में ही अनाउंसमेंट पहुँच जाए, कहीं और उनको जाना ना पड़े। और ये बेंचेस वगैरह भी हम देख रहे हैं, ये न्यू, बिल्कुल सारे बिल्कुल न्यू बेंचेस हैं, न्यू टेबल है, एक कबर्ड अलमारी भी दी हुई है ताकि टीचर्स अपना सामान इसमें आराम से रख सकें। कर्टेन वगैरह इसलिए लगाए गए हैं ताकि बाहर से धूप की रोशनी ना आए और थोड़ा रूम जो है वो ठंडा रहे। आइए बेंचेस पर भी बैठ के आपको दिखा देते हैं ना, काफ़ी टाइम हो गया स्कूल पे, स्कूल छोड़े हुए और आज फाइनली स्कूल वाली फीलिंग हमें भी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ से इजीली ब्लैक बोर्ड भी विजिबल है, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। और मुझे लगता है कि पीछे भी अगर कोई स्टूडेंट बैठेगा तो पीछे से भी ब्लैक बोर्ड ईजिली विजिबल है, बहुत ईजिली विजिबल है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि स्पेस यहाँ कम है या क्लासरूम छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लासरूम बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है और बनाया इस तरीके से गया है, बेंचेस इस तरीके से प्लेस किए गए हैं ताकि स्टूडेंट बेशक आगे बैठा हो बेशक पीछे बैठा हो, ब्लैक बोर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर स्टूडेंट को हर जगह से नज़र आएगा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की लाइब्रेरी दिखाते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स आकर पढ़ाई कर सकते हैं। और स्पेशलिटी ये है कि जिस तरीके से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है खासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का, तो यहाँ लाइब्रेरी में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हर तरीके की किताबें रखी गई हैं जिनको स्टूडेंट्स आके कभी भी पढ़ सकते हैं और अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत जाकर अपने टीचर से भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये भी हाईटेक बिल्कुल मॉडर्न तरीके का रीडिंग रूम बनाया गया है, लाइब्रेरी बनाई गई है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की लाइब्रेरी में हैं हम और कुछ टीचर्स हमारे साथ यहाँ पर हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाकी नॉर्मल स्कूल से कैसे अलग है, स्टूडेंट्स यहाँ आने के लिए क्यों इतने क्रेजी रहते हैं और किस तरीके की एजुकेशन और सुविधाएं यहाँ स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। तो मैम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या एक्सीलेंस है, यहाँ पर स्टूडेंट्स एंट्रेंस दे के आते हैं, किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है जो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं? क्योंकि मैम जो सामान्य जो स्कूल हैं उनसे अलग इसमें क्या है कि इसमें एडवांस्ड जो है स्टडी वो करवाई जाएगी साथ में, और बच्चे 9th क्लास से ही, क्योंकि रूरल जो एरिया है इसमें बहुत अच्छा उनको ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता था, इसके लिए बच्चे बहुत दूर दूर जा कर के पढ़ते थे। यहाँ पर इस एरिया में खुला पहला स्कूल है जो बच्चों को इतनी अच्छी सुविधाएँ दे रहा है और स्पेशलाइज्ड फॉर्म में ये उनको शिक्षा प्रोवाइड करवा रहा है, तो इससे बच्चों आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि यहाँ के बच्चे किस लेवल तक जाएंगे, चाहे वो नीट है चाहे वो JEE के लिए है, यहाँ से बच्चे प्रिपेयर होकर ही निकलेंगे। अच्छा, स्ट्रीम्स की अगर बात करें तो स्ट्रीम्स किस तरीके से डिवाइड की गई हैं, स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग बच्चों को कैसी कैसी ट्रेनिंग मिलती है? मैम इसमें जो है स्ट्रीम वाइज स्कूल खोले गए हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस कॉमर्स के लिए अलग स्कूल आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये वाला जो हमारा दरियापुर कला में स्कूल खुला है ये ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस के लिए है। इसमें बेसिकली स्टेम के नाम से इसको जाना जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, बेसिकली इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और
इसमें स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की एक तरीके से तैयारी की जाती है ताकि बच्चा आगे अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एक तरीके से उसको फोकस करते हुए करिकुलम का लेवल और हाई करते हुए ताकि वो जो न्यू एग्ज़ाम्स हैं नीट है जेई है इनको क्रैक कर पाए। मतलब अब जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से स्टूडेंट जो स्टडी करेंगे उनको बाहर कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी जी बिल्कुल नहीं। चलिए इससे टाइम भी सेव होगा मनी भी सेव होगा और जो स्टूडेंट्स गांव के जिस तरीके से मैम ने बताया कि जो बाहर नहीं जा पाते हैं आने जाने की जिनको प्रॉब्लम खासतौर पे गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल है बाहर मैंने देखा दरियापुर कला का बाहर बसेस वगैरह भी जाती हैं तो बच्चे आसपास से आते हैं बिल्कुल गेट के सामने बसेस जाती है तो कोई बिल्कुल बिल्कुल गेट के सामने ही स्टॉप है तो बच्चों को ना दूर जाने की ज़रूरत है ना कहीं बस गेट के बाहर से ही बसेस मिलेंगी। तो ये थी दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की दरियापुर कला की प्रेमाइसिस जो हमने आपको दिखाई 3 ब्लॉक्स हैं फुली हाईटेक क्लासरूम्स है और किस तरीके से सारी सुविधाएं स्टूडेंट्स को दी गई हैं यहाँ पर ये भी हमने आपको दिखाया। खास बात यहाँ पर ये है कि 9th, 10th, 11th, 12th जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होते हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में उसकी पढ़ाई खास तौर पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी और एक भी पैसा स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को यहाँ नहीं देना है। सिर्फ आपको एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना है आपके बच्चे को। एप्टीट्यूड टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है तो मेरिट के आधार पर दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 9th onward एडमिशन जो है वो स्टार्ट होगी। 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 साल की पढ़ाई विद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके स्टूडेंट्स को करवाई जाएगी। और तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही अच्छा उपराला है बहुत ही अच्छी पहल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दूर दराज के इलाके में रहते हैं या फिर पैसे के अभाव में अपना जो पढ़ाई है वो उसको परज्यू नहीं कर पाते या जो वो करना चाहते हैं उसको परज्यू नहीं कर पाते लेकिन स्टूडेंट्स शार्प हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं।